बहुत भूख लगी है, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। इसी बहाने हम खा भी लेंगे और घूम भी लेंगे। अरे नहीं यार, अभी कौन जा रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, थक भी गई मैं। प्लीज प्लीज चलना यार, प्लीज। अरे यार हम तो भूल गए, मम्मी भी तो इधर ही है, चलो हम उन्हीं से पिज्जा मंगवाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा, स्वागत है आपका कुक विद आशा में। फ्रेंड्स मैं आज अनुवायु की फरमाइश पे पिज्जा बनाने वाली हूँ, जो कि कढ़ाई में बनाऊंगी बिना ओवन और बिना यीस्ट के। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और अनुवायु बाद में टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा बना। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा का डो बना के तैयार करते हैं। ये मैंने एक कप मैदा ले लिया है, ये है बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। हमें दोनों चीज़ें मिलानी है तभी हमारा पिज्जा एकदम स्पंची बनेगा। एक एक चम्मच है, ये दोनों डाल देते हैं। आधी चम्मच शक्कर डाल देंगे, आधी चम्मच नमक और इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे। एकदम खट्टी दही होनी चाहिए तो हमारा पिज्जा बहुत अच्छा बनता है। अभी इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाना है। ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है, ये लग रहा है अभी से ही फूल रहा है। देखिए पिज्जा हमारा बहुत सॉफ्ट बनने वाला है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा आटा फूल के एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो पिज्जा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और ये है 250 ग्राम नमक। इस कढ़ाई में ये नमक डाल देंगे और इस तरह की कोई एक कटोरी ले लो आप, जो इस तरह ऐसे रख दें और इस पे हमारा ट्रे आ जाएगा। ये ट्रे इस पे परफेक्ट आ जाएगा तो साइड साइड से जो भाप आएगी हमारा पिज्जा बहुत अच्छे से पक जाएगा। गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। इसको इस तरह कुछ ऐसे जो इस पे ढक्कन बैठ जाए इस तरह से ऐसे ढक देंगे। जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक हम पिज्जा बना के तैयार करते हैं। ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अभी इसको हमें 3 भागों में बांट लेना है, क्योंकि हम चीज बस पिज्जा बना रहे हैं तो हमें 2 पिज्जा बेस चाहिए। ऐसे हमें इसको 3 भागों में बांट देना है और एक भाग इसका अलग कर देना है, दोनों एक साथ कर लेना है। इसका हमें एक पतला सा रोटी बना के तैयार करना है अपने प्लेट के साइज का, जिस साइज का हमारा प्लेट है जिसपे हम पिज्जा बना रहे हैं। सूखा मैदा लगा लेते हैं और इसको बेल के बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने परफेक्ट साइज बना ली है, ये हमारे प्लेट का साइज का है। अभी हम इसको रोटी के जैसा सेक लेते हैं, पूरा इसको नहीं पकाना है, हल्का सा कड़क करना है बस। ये मैंने तवा गरम कर लिया है, हल्का ही गरम करना है, तवा को बहुत नहीं गरम करना है, हमारी रोटी फूलने ना पाए। लो फ्लेम पे ऐसे दोनों तरफ से उलट पुलट के कड़क करना है। ये देखिए इसमें कैसे बबल आ रहे हैं, इसको हमें पकाना नहीं है, इस पे ब्राउन स्पॉट भी नहीं आने चाहिए। ये देखिए रेडी हो चुका है, अभी इसको हम निकाल लेते हैं। अभी हम ये जो 2 भाग रखा था अभी इसको भी बना के तैयार कर लेते हैं। इसको एक मोटा सा बनाना है हमें, प्लेट के बराबर का ही, उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है पहले वाले से। ये देखिए ये हमारे प्लेट से हल्का सा बड़ा है, 1/2 इंच, बस ये परफेक्ट साइज है। पहले हम जिस प्लेट में बनाने वाले हैं इस प्लेट को बटर लगा के अच्छे से ऐसे फैला देंगे, नहीं तो पिज्जा हमारा चिपक जाएगा, फिर निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। ये रेडी हो चुका है, अभी हम इस पिज्जा में ऐसे साइड से एक गड्ढा जैसे बना लेंगे, किनारे पे चारों तरफ से ऐसे बना लेंगे और इसको एक फोक की मदद से ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, नहीं तो हमारा पिज्जा बहुत फूल जाएगा। ये देखिए तो अभी हम इस पे 1 चम्मच पिज्जा सॉस लगा देते हैं। अभी इसके ऊपर हम चीज डाल देते हैं, क्योंकि वो जो अंदर की फीलिंग निकलती है ना चीज बस्ट की, तो इसके ऊपर दूसरा बेस रखेंगे तो अंदर से फीलिंग ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें हम भर भर के चीज लगा देते हैं, चीज बस्ट पिज्जा अनुवायु को बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये हमने लगा दिया। अभी इसके ऊपर जो मैंने पहला वाला रोटी सेक के रखा था ये रख लिया मैंने। अभी इसके किनारों को मैं इस तरह ऐसे फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से इसको ऐसे इस तरह दबा लेंगे। ये हमारा बेस बन के तैयार है, अभी इस पे हम पिज्जा सॉस लगाते हैं। हमें 1-1 इंच किनारों को छोड़ना है, क्योंकि हमारा चीज फूलेगा तो बाहर आ जाएगा। अभी इस पे हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस भी डाल लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसके ऊपर हम वापस चीज लगा लेते हैं। अच्छी तरह से चीज लगा लिया, अभी हम टॉपिंग के लिए मैंने येलो शिमला मिर्ची लिया है, आप अपनी पसंद की टॉपिंग लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। ये मैंने थोड़े से प्याज भी लगा दे रही हूँ, मुझे प्याज बहुत पसंद है। और ये ग्रीन शिमला मिर्ची है और ये कुछ मैंने पनीर के भी टुकड़े डाल दे रही हूँ।
अभी ये रेडी कर लिया हमने, प्लेट में रख लिया है। अब इसके किनारों पे हम इससे ब्रश की मदद से ऐसे ऐसे बटर लगा देंगे। अभी इस पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स लगा देते हैं। देखिए ना कितना बढ़िया कलर आया है, बाजार के पिज्जा से अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स लगा देते हैं। अभी इसको उठा के हम कढ़ाई में डालते हैं। पकड़ की मदद से बहुत आराम से इसको ऐसे कढ़ाई में रखेंगे। अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं और 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा पिज्जा बन के कितना स्पंजी तैयार है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखिए हमारा पिज्जा कितना स्पॉन्जी बन के तैयार है, एकदम पूरा चीज भरा हुआ है। अभी इसको हम काटते हैं। तो ये मैंने पिज्जा कटर ले लिया। तो ये देखिए हमारा पिज्जा बन के तैयार है, बहुत ही ज्यादा चीजी है। चलते हैं अनुआ इसको से टेस्ट करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पिज्जा बन के तैयार है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बाजार के पिज्जा से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आप भी जरूर इसको ट्राई करो। तो लो अनुआ इसका टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। वाओ माँ, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप टेस्ट करके देखते हैं। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तो गाइस ये पिज्जा बहुत ही यम्मी था, जैसे मुंह में चीज बर्स्ट हो रहा था। ये एकदम बाहर के पिज्जा की तरह टेस्ट करता है, तो प्लीज अपनी मम्मी को बोलना कि ये पिज्जा जरूर बनाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और फेसबुक पे भी फॉलो कर देना और इंस्टाग्राम पे भी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।